फाइनली फाइनली यार बिल्कुल हो चुका है डन माशाल्लाह। अभी पता क्या ड्रामेबाजी हुई है, ड्रामेबाजी ये हो गया कि यार लाइट जा चुकी है इस टाइम। हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ में। चलो जी अल्लाह ताला आप लोग खुश रखे, आबाद रखे और सुनाए बिजनेस सही चल रहा है, क्या चल रहा है इस टाइम। और यार आप लोग तो मैं बताता चलूँ कि यार ये ऊपर वाला जो हमारा सारा पोर्शन है ना, ये बाहर वाला साथ वाला रूम और ये बाकी जो बाहर वाला है ये सारा हो चुका है बिल्कुल डन। तो आज कई लोग जो है नीचे लगे हुए हैं वो लोग कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे मैं बताता हूँ आप लोगों को जाके। बट सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँगी यार आज कुछ सीन है कि मैंने वेल्डर भाई को कॉल कर दी है क्योंकि रात को हमारे घर आए तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई जान मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा सुबह 9 बजे। और अभी पता क्या टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 10:20। अभी आप खुद अंदाजा लगा लें। तो अभी मैंने उनको कॉल किया लेकिन वो कहते हैं जी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ता करके मैं जल्दी से पहुँचता हूँ, लेकिन अब तक नहीं आ सके। और फिर अभी उनको दोबारा से कॉल करते हैं तो फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नवीद भाई क्या हाल चाल है आपका। ताला क्या खुले ये ना जी, आप आए नहीं हैं अभी तक तो अभी ड्रामे ना करें। वाह सही कर अल्लाह का भाई साहब, अगर आप इधर आप अगर आए होते ना तो मैं आपको कॉल नहीं करता। कोई नहीं आया, आप आए। सर जी चाय शाह बनी है, नाश्ता बने हैं, जल्दी आ जाओ। आज 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 आपका मैं वेट कर रहा हूँ, आपको मैंने बाहर देखा, आप कोई नहीं है भाई, ऐवी ने ड्रामे करें। अच्छा ठीक है ठीक है, ड्रामे बाजी। कोई नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहे। अरे चलो ताकि अच्छा चले आ जा कितना गली में, कोई नहीं गली में अभी ड्रामे करें। हाँ देखो कोई भी नहीं है, कॉल कट कर दिए इस टाइम तो कहते हैं बस पहुँचे हम लोग, सही है आ जाते हैं, आ जाते हैं 5-10 मिनट तक आ जाते हैं, कोई मसला नहीं। ओम क्या हाल चाल है भाई, ठीक है आप खैरियत से हैं। और सुनाए भाई कैसे चल रहा है काम शाम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है जी। ऊपर वाला फ्लोर माशाल्लाह आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, इंशाल्लाह नीचे वाला भी शुरू करेंगे। इंशाल्लाह हो गया बस काम, तो दो तीन दिन इंशाल्लाह सारा कंप्लीट हो जाएगा, दो दिन के बाद कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह खैर रखे। चलो जी माशाल्लाह इन्होंने सारा भाई लोगों ने सारा कंप्लीट कर दिया, वो अब नीचे लगे हुए, आप नीचे चलते हैं, नीचे जाके भी आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना कर लिया और क्या हिसाब किताब है। चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के नीचे, चलो सो लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अस्सलाम वालेकुम, खत्म। नवीद भाई ओहो नाराज हो गए भाई साहब, काफी देर हो गई धूप में खड़े हुए, चलें यार चलते हैं यार रात हो गई जी। तो फ्रेंड्स यार आप लोग मैं बताता चलूँ, इस वक्त काम शाम फाइनली यार स्टार्ट हो चुका है। और ये काम हमने क्यों स्टार्ट करवाया मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यार ये जो छोटा वाला दरवाज़ा है ये पूरा खुलता नहीं था यार, ठीक है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, कोई मेहमान आ जाते तो फंसता था यार, फिर अजीब हिसाब किताब। तो फिर हमने वेल्डर भाई को कॉल किया, हमने कहा यार भाई आ जाओ जल्दी से, आके दोनों दरवाज़ों को ना उतार के अच्छी तरीके से सेट करो। तो फाइनली वो लोग आ चुके हैं अभी, तो चलो आगे आगे देखते हैं होता है क्या। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली फ्रेंड्स यार हम लोगों ने बातें करते करते दूसरा दरवाज़ा भी उतार दिया और भाई लोग अपने हिसाब से जो है ना उसको सेट करेंगे। और दूसरे नंबर पे अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जाकर जल्दी से
मेरे चैनल मिस्टर समी ब्लॉगर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। इसे प्रेस करने से क्या होगा कि यार मेरी वीडियो जब भी न्यू आएगी ना वो आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलें और आगे बहुत मज़ेदार वीडियोज़ आने वाली हैं। फ्रेंड्स अभी बारी आ चुकी है यार कुछ रिफ्रेशमेंट की। सही है, यहाँ पर चाय शाय चल रही है और ये हमारे नवीद भाई हैं। नवीद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? चलो शुक्र है। और ये भाई भी साथ हैं, ठीक है। दरवाजे शरवाजे दोनों गेट उतार दिए इस टाइम। अच्छा नेक्स्ट प्लान क्या है भाई? वापस ले जाएंगे। अच्छा सही, चलो बाद में मिलते हैं आप लोगों से। A few moments later, अभी पता क्या ड्रामेबाजी हुई है? ड्रामेबाजी ये हो गया कि यार लाइट जा चुकी है इस टाइम और भाई लोग बस फ्री होके बैठ चुके हैं। खत्म, बाय बाय टाटा। तो अब देखते हैं यार कितनी देर लाइट गई है और क्या हिसाब है। इतनी देर हो गई हम लोग दरवाज़ा खड़े करने में, हम लोगों ने लगाया बड़ा ये वाला दरवाज़ा जो है ये वाला दरवाज़ा, घंटा हो गया हम लोग इसको सीधा करके जी भाई ऊपर करना है नीचे करना है वो करके हिसाब किताब करके। तो अभी जनाब साहब लाइट चली गई, अभी लाइट आती है फिर स्टार्ट करते हैं काम शाम। फाइनली फ्रेंड्स यार आ चुकी है 10 मिनट के बाद लाइट और भाई लोगों ने काम शाम स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं यार कितनी देर लगती है यहाँ तक। चलो अब जाके उनके साथ थोड़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। दरवाज़ा से दरवाज़ा अगर कुछ पकड़ना है कुछ करना है तो वो हम लोग जाकर करते हैं। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। बाकी साथ साथ अब बारी आ चुकी है इस अंदर सेन की, तो सामान वगैरह भी हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है। बाहर शहर रख रहे हैं तो चले देखते हैं सर। सही करो ना दरवाजा भाई। सही हो गया यार, जबरदस्त। जी फ्रेंड अभी कुछ ऐसा सीन है कि यार एक साइड दरवाजे की लग चुकी है फाइनली, तो थोड़ा सा ऊपर उठा के ना फिर हम लोगों ने उसको अभी वेल्ड शेल्ड कर रहे हैं भाई। और जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी ना, जो छोटा वाला दरवाज़ा था ना वो जिस टाइम हम पूरा खुलते थे ना पूरा खुलता नहीं था, तो बीच में आके ना फंस जाते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, क्योंकि उसको थोड़ा सा जब ऐसे थोड़ा सा दरवाजे को उठा के ना फिर उसके कब्जे वगैरह जो है ना वो वेल्ड शेल्ड कर रहे हैं। तो अब रह गए ये वाला दरवाज़ा, इसको भी हम लोग यहाँ पे रखते हैं घर के सामने वाले, ठीक है, इस साइड पे। इसको रखने के बाद फिर उसको भी सेट करते हैं, सेट करने के बाद वेल्ड करते हैं और जिस समय पूरा दरवाज़ा बिल्कुल सेट हो जाएगा फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। पहला कोट लग रहा है इस टाइम, पहला कोट लग रहा है और दूसरे नंबर पर भाई अंदर लगा रहे हैं पुटीन। सही काम शाम हो रहे हैं यार, माशाल्लाह दुआ करें बस खैरियत से यार सारा ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। A few moments later, क्या कर रही हो? बाइक पर बैठी हुई हो? काम कर ली है? जरा कल बेटा पेपर है जाके तैयारी कर। अच्छा यार फ्रेंड्स तकरीबन 90% काम कंप्लीट हो चुका है और बस ये जो अब ये वाले जो कुंडे ना ये वाले बस उनको थोड़ा सेट कर रहे हैं, बाकी हो गया काम। दरवाज़े सही लग गए हैं, दरवाज़ा खुल रहा है सही वाला ज़बरदस्त किस्म का, आप लोगों को ट्राई करके भी दिखाते हैं। और वीडियो को लाइक करो यार फ़ौरन से पहले जाके, और अंदर खाना शाना भी रखती है और वो जो सफेदी वाले भाई हैं वो भी खाना शाना खा रहे हैं। चलो जाते हैं अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। बट भाई साहब हमारी मत बज चुकी है इस टाइम और बुरे हालात हैं यार, काफ़ी देर हो गई यार इधर धूप के अंदर खड़ा हुआ और पावर हो गया। अभी तो ये छाँव में आया हूँ, दरवाज़ा पकड़ के ऐसे खड़े हुए थे हम लोग। तो भाई लोगों की हिम्मत है यार, हिम्मत है भाई साहब, स्टूडेंट है।
भाई लोग खाना शाना खा रहे हैं। आज बनेगी माशाल्लाह दाल और साथ चावल, हैवी सीन। हम लोग भी खाते हैं, भाई लोग फ्री होते हैं ना फिर उसके बाद खाते हैं। बाल बाल बच रहा हूँ मैं, ऐसे तीसरी दफ़ा बचूँगा आज क्योंकि यार बाहर से आते हैं ना तो हमारा सीन कुछ और होता है, तो ध्यान से आना पड़ता है। पर चलो अब काम ख़त्म होता है ना फिर खाना शाना खाते हैं। फाइनली फाइनली यार बिल्कुल हो चुका है डन माशाल्लाह। साइड से भी देखें ज़बरदस्त हो गया यार। चलो चलो जीत ब्रांड यार अभी कुछ ऐसा सीन है कि यार मेरे पीछे देख रहे हैं एक मार्केट है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊं कि यार पता भी क्या सीन हुआ हमारे साथ। अच्छा मैं क्या हुआ था टैक्सला क्या हुआ था और गेट के लिए कुछ सामान शामान उठाना था ना, तो सामान शामान उठाया उसके बाद फिर हम लोग ना निकल आए, मैं और ये अब्दुल्ला भाई निकल आए वापस आके। तो जनाब साहब हम लोग उधर सामान शामान लगाना स्टार्ट हो गए, पता चला कि यार वो साथ लगा रहे हैं तो वो नए बेचारे पड़ोसी हैं उनका ना बच्चा गायब हो गया। हम लोग जनाब साहब उधर उसको ढूंढने चले गए, तकरीबन आधा पौना घंटा वहाँ पे लग गया, आखिरकार वो बच्चा मिल गया अल्लाह का शुक्र है। तो उस टाइम कोई समझ नहीं आ रही थी, उसके घर वाले रो ही जाएँ, घर में सिर्फ औरतें ही थी ना यार, तो वो सारी रो रही थी मतलब पता नहीं हमारा बच्चा किधर चला गया। तो मैं अकेला वहाँ पे था गली में खड़ा, मैं उनको कह रहा था कोई बात नहीं हम लोग ढूंढ लेते हैं, इतना ढूंढा उसको तकरीबन आधा पौना घंटा ढूंढते रहे, आखिरकार बच्चा मिल गया। फिर घर आए तो वो लोग खुश हो गए। अच्छा अभी ऐसा कुछ सीन हुआ कि यार मैं और अब्दुल्ला जो है ना हम लोग अभी निकले हैं घर से, ठीक है, तो वो जो हमारे दूसरे भाई थे वो चले गए, सही है वो चले गए थे, तो उन्होंने अब्दुल्ला की ड्यूटी लगाई कि यार। अच्छा अब्दुल्ला ये किस लिए हम लेके जा रहे हैं? हमने सुराख करना है, फील करनी है। हाँ फील करना है, वो जो कुंडी लगाई है ना उसके साथ उस कलर सुराख करना है, वो घर जाके मैं बता देता हूँ आपको। अभी ऐसा सीन हुआ कि यार अभी टैक्सला चौक से कितना अभी पीछे थे। अब्दुल्ला कहाँ पे थे हम लोग? हम पम्प के पास। हाँ पम्प, ये जो अपना BSO वाला, हाँ इसके थोड़ा सा पीछे थे, पेट्रोल ख़त्म हो गया, रिजर्व पे लगा हुआ था, मुझे पता भी नहीं था यार कि ये सीन है मेरे साथ। और मज़े की बात बताऊँ पैसे भी नहीं है पास और अजीब सीन है, तो 2 लाख वो क्या कहते हैं कि अब्दुल्ला भाई ने बोला कि यार दुकान पे चलो ना तो लड़के से पूछेंगे कि यार उसके बाद पैसे ऐसे होंगे तो उसे ले लेंगे ना, वो भाई कहते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है 200 तो मैंने खाना वाना खा लिया बाकी तो। और फिर उसके बाद उसने कहा अच्छा चलो ठहरो मैं यहाँ पर देखता हूँ यार पेट्रोल की बोतल पड़ी होगी, तो पेट्रोल की बोतल पड़ी हुई थी और जिसमें से ये अब हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है बस अल्लाह का शुक्र है पेट्रोल मिल गया। और ये ड्रामा था वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना इसको घसीटता हुआ मैं लाया हूँ मोटरसाइकिल को, और इतना मुश्किल काम था अब्दुल्ला भाई, कितना मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था भाई, बहुत कसम खुदा की यार दिमाग खोल गया पागल हो गया। तो बहरहाल यार अभी हम लोग निकलते हैं जल्दी से घर जाते हैं और फिर आप लोगों से यार मुलाकात होती है। मैंने कहा चलो ये भी एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं आप लोग के साथ, अच्छा लगे तो लाइक करो। ये ड्रिल मशीन लाए थे हम लोग इसके अंदर सुराख करने के लिए, ठीक है भाई ये इसके अंदर जब जाएगा ना पूरा, अब ये पूरा गया ठीक है, हो गया डन हो गया। पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही है अचानक से यार गला ख़राब हो गया ना, तो बहरहाल अभी अब्दुल्ला को छोड़ के आते हैं, ठीक है फिर वापस आने पर आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। A few moments later. जी तो फ्रेंड यार अभी कुछ ऐसा सीन है कि यार ये रूम है ठीक है, इसके अंदर भी तकरीबन दो या तीन कोट लग गए हैं, 2 कोट लग गए होंगे और बाकी जो है वो सेम वाली साइड, ये वाली साइड भी कंप्लीट हो चुकी है फाइनली, और ये वाली भी साइड कंप्लीट हो चुकी है, अब रह गए किचन वॉशरूम और ड्राइंग रूम और ये साथ वाला कमरा। तो बस यार अभी फ़िलहाल आप लोगों को बस मैं यही दिखाता हूँ, और बाकी गेट शेड भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी अभी चलो यार जल्दी से ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, सही अब्दुल्ला को भी छोड़ आया हूँ, सारे काम शाम हो गए यार, थोड़ी तबीयत भी पता नहीं ख़राब हो रही है, गला बहुत शरीर किस्म में दर्द कर रहा है यार समझ नहीं आ रही।
बाकी व्लॉग की एंडिंग भी करते हैं। सो आई होप यार आप लोगों को ये वीडियो, ये व्लॉग जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर व्लॉग अच्छे लगे प्लीज़ यार बोले बिना इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।